नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि आपको यहां से ब्रेकआउट दे सकता है, तो आपके लिए काफी बेहतरीन होगा, यहां से आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, ये लॉन्ग टर्म के लिए इतना बेहतरीन शेयर है, इतना सॉलिड शेयर है, कभी भी गिरावट में मिले तो जरूर इसमें इन्वेस्ट करना। आप किसी भी शेयर में मत करना, लेकिन इस शेयर में जरूर इन्वेस्ट करना। दोस्तों इस वीडियो में हम बिजनेस की भी बात करेंगे, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ टेक्निकल जो चार्ट है उस पर दिखाते हैं आपको स्टॉक कितना सॉलिड है टेक्निकल चार्ट पे, साथ साथ उसके फंडामेंटल्स भी दिखाते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस आगे क्या ग्रोथ रहने वाला है, तो इन सारे रिस्पेक्ट को बात करते हैं जिससे आप कंपनी को चूज कर सकते हैं किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, किस कंपनी में आपको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये स्टॉक है हमारा एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, ये पहले भी हमने आपको बताया है कई बार कि ये दोस्तों इतना सॉलिड स्टॉक है, अगर आप वीकली चार्ट लगा लें, आप जो है वीकली चार्ट इसमें लगा लें तो कभी भी ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, इतना सॉलिड स्टॉक है। चलिए आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगा चुके हैं, अब हम यहाँ पर आपको पीछे जाकर देखते हैं। तो देखिए कहीं ये थोड़ा पैंडेमिक में जो गिरावट है इसको छोड़ दीजिए, पैंडेमिक में गिरावट में देखिएगा तो ये अपना लो ब्रेक नहीं किया। देखिए पिछला लो यहाँ पर था इसका 670 के पास भी ये स्टॉक नहीं पहुँचा उस पैंडेमिक में गिरावट के बाद। अब यहाँ से उसके पहले चलिए तो यहाँ पीछे उसके पीछे जो लो था इसका 300 का था, 300 उसके पीछे चलिए तो आप देख लीजिए यहाँ पर उसके पीछे लो 277 था। अब यहाँ से इतना पीछे आप जाएंगे इसके बाद तब जाके आपको लो कभी ब्रेक होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे भी लो ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इसका लो, यहाँ पर ये जो स्टॉक यहाँ से चला है तो मूविंग एवरेज के नीचे कभी आया है तो यहाँ पे आया है, तो इससे पहले का लो कितना था मात्र 20 रुपया। तो ये स्टॉक देख सकते हैं कि 10 रुपये 20 रुपये से ये जर्नी स्टार्ट किया और अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो इतना सॉलिड स्टॉक है। और क्योंकि इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा अर्न कर रही है, लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिल रहा है, सेल्स में ग्रोथ देखने मिल रहा है और टेक्निकल चार्ट पर तो ये स्टॉक सॉलिड है ही। आपने देखा कि 10 रुपये 20 रुपये से ये स्टॉक 2500 रुपये का जर्नी तय कर चुका है, तो ये कितना सॉलिड स्टॉक है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये स्टॉक जो है अगर यहाँ पर ये लेवल क्रॉस कर देता है 2627 रुपये का लेवल इसके ऊपर क्रॉस कर जाता है तो फिर यहाँ से आपको एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने मिलेगा। ऐसे भी ये स्टॉक ब्रेकआउट में ही है, देखते हैं लगातार ये वीकली चार्ट पर लगातार जो है अप ट्रेंड में है, लेकिन जब डेली चार्ट लगाएंगे तो डेली चार्ट में काफ़ी बार ये कंसोलिडेट होता है फिर रैली करता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन चले। तो ये प्राइस रेंज आपको मैंने बना के रखा है कि जब ये 2627 रुपये के ऊपर जाता है, मतलब 2630 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आप इसमें पोजिशन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म होता है 1 सप्ताह 1 महीने 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए आप यहां पर पोजिशन बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करें, जब भी गिरावट भी मिले तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप स्टॉप लॉस लगा रखिए, अगर प्रॉफिट में आता है तो बस उसको कैरी कीजिए, क्योंकि स्टॉक कभी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। मार्केट जो ऑल टाइम हाई पे है तो थोड़ा सा कभी गिरावट करेक्शन देखने मिलता है तो वैसे में हो सकता है ये स्टॉक भी करेक्शन दिखाए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, SIP मोड में हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जैसे गिरावट आएगा तो छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करेंगे, छोटे छोटे अमाउंट में SIP करते चलेंगे तो आपके अच्छे खासे लेवल्स पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा, फिर उसको अपना जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्टॉक स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, जीरोधा में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में GTT ऑर्डर लगा सकते हैं जो कि स्टॉप लॉस का काम करता है, जब भी वो प्राइस हिट करेगा आप एग्जिट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते जाएगा आप अपना GTT ऑर्डर का जो प्राइस है मतलब स्टॉप लॉस है उसको ऊपर लेकर चलेंगे। तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये काफ़ी सॉलिड स्टॉक है और यहाँ पर इसमें कुछ खास ज़्यादा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं, अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को मिला दीजिए। स्टॉक ऐसे ही काफ़ी बुलिश है तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो देखते हैं ये सारे ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर चुका है, बस अब ये यहाँ पर जो हाई है इसका इस हाई के ऊपर चले तो आप इसमें पोजिशन ले सकते हैं। और मूविंग एवरेज के बीच देखते हैं लगातार डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब जो दिखाता है कि प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, तो प्राइस एक्शन सबसे श्रेष्ठ होता है, उसके बाद हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर RSI यहाँ आप देखते हैं काफ़ी सॉलिड है, अभी जो RSI का वैल्यू है वो 88 है, तो यहाँ से अगर स्टॉक मूव करता है तो काफ़ी तेज़ी से आपको 80 से जैसे ये 88 है तो यहाँ से अगर 100 तक जाता है RSI तो ये स्टॉक यहाँ से आपको लगभग 1000 पॉइंट तक का रिटर्न दे सकता है इजिली काफ़ी तेज़ी से।
तो जब RSI काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो यहाँ से जब स्टॉक मोमेंटम करता है तो काफ़ी तेज़ी से आपको मतलब अपना टारगेट जो अचीव होता है। जैसे थियोरटिकल आप पढ़ते हुए यहाँ से ओवरबाउट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो चुका है, अब यहाँ से कंसोलिडेट करेगा, गिरेगा स्टॉक, तो दोस्तों वो स्टॉक पर निर्भर करता है। ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है तो इसमें गिरावट भी होगा तो काफ़ी कम होगा। अगर मार्केट में ही बड़ी गिरावट हो तो आपको इसमें बड़ी गिरावट देखने मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट नहीं होता है, ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है, इस रेंज के ऊपर चलता है 2630 रुपये के ऊपर, तो 2630 के ऊपर आपको इसमें पोजीशन बना लेना है। तो ये बेहतरीन स्ट्रेटजी होता है शॉर्ट टर्म में रिटर्न प्राप्त करने का। उसके बाद बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स का, तो फंडामेंटल्स काफी सॉलिड है। कंपनी का मार्केट कैप जो है स्टील पॉलिटेक्निक का 37,000 करोड़ का है। वहीं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 55% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 8% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, तो इतनी अब बड़ी कंपनी अभी भी प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है। और नेट प्रॉफिट 281 करोड़ का है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और रिजर्व कंपनी के पास 1595 का है, डेट कंपनी के पर मात्र 92 करोड़ का है, तो कंपनी एक तरह से ये वर्चुअली डेट फ्री है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं कर रखा है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 18 का है, जो कि काफ़ी कम है। इंडस्ट्री का भी अर्निंग पर शेयर 19 है, तो इंडस्ट्री के अर्निंग पर शेयर से कम पे ही ये स्टॉक आपको मिल रहा है। डिविडेंड काफ़ी कम पे करते हैं कंपनी, 0.03% मात्र कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, तो काफ़ी कम कंपनी डिविडेंड पे करती है। वहीं कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, सेल्स 2009 में था मात्र 188 करोड़ का, जो कि बढ़ते लगातार बढ़ा है, देखते एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ा है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 2677 करोड़ का सेल्स हो चुका है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2009 में था मात्र 14 करोड़ का, जो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते गया और अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ में 281 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट हो चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का सेल्स भी, प्रॉफिट में ग्रोथ भी। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, अभी कंपनी का शेयर कैपिटल 11 करोड़ का था और 11 करोड़ से 15 करोड़ हो चुका है। रिजर्व कंपनी का 81 करोड़ था 2009 में, जो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हुए अभी 1595 करोड़ का है कंपनी का रिजर्व, तो कंपनी का रिजर्व भी काफ़ी बेहतरीन है। तो सारा चीज़ कंपनी का बेहतरीन है, सेल्स भी बेहतरीन है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी, कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। वहीं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर जो होते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग वो देख लीजिए, प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर लगभग कांस्टेंट बना हुआ है, प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट है पिछले साल से 2019 से ही। तो ये हो के कंपनी के जो बेसिक पैरामीटर्स है, फंडामेंटल पैरामीटर्स काफ़ी सॉलिड है, तो कंपनी का जो कैश फ्लो है आप वो कैश फ्लो भी देख सकते हैं, कंपनी का कैश फ्लो लगातार देख सकते हैं पॉजिटिव में रहा, इस बार थोड़ा सा निगेटिव में है कैश फ्लो, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा निगेटिव में गया है। वही कंपनी का जो बिजनेस है, उस कंपनी का बिजनेस काफ़ी मायने रखता है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के बिजनेस में क्या ग्रोथ होने वाला है, तो यहाँ पर आते हैं कंपनी के वेबसाइट पर, टाइप्स है देख सकते हैं कि ये एसोसिएटेड है मुंबई इंडियंस से और ऑफिशियल स्पॉन्सर है कोलकाता नाइट राइडर्स का। और कंपनी का जो देखिए अपकमिंग प्रोडक्ट है यहाँ पर वाटर स्टोरेज अपकमिंग प्रोडक्ट में से एक है, और अभी जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है यहाँ देखिए प्लम्बिंग से रिलेटेड, केबल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर प्रोटेक्शन, इंसुलेशन, तो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है एग्रीकल्चर में जो यूज होती है, तो जो भी प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें यूज होती है वो कंपनी यहाँ पर बनाती है। आप इस पर क्लिक करके कंपनी के प्रोडक्ट बारे में डिटेल में जान सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो आने वाले समय में भी यूज होंगे, सिर्फ ये याद रखना है कि कंपनी मार्केट को लीड करती रहे, जब तक कंपनी मार्केट को लीड करती है तो आपको सारा जो मतलब कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स में ग्रोथ है वो कंपनी के शेयर प्राइस में आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कंपनी का बिजनेस काफ़ी सॉलिड है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, कंपनी का प्रोडक्ट भी आने वाले समय में भी बना रहेगा, क्योंकि इस पर कोई भी पैंडमिक हो या कोई भी सीजन हो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी का जो शेयर का प्राइस है टेक्निकल चार्ट पे काफ़ी सॉलिड है, तो आप इस शेयर में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।